वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टेस्ट लेके आया हूँ। उसके पहले मैंने जीके का टेस्ट लाया था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक 5 क्वेश्चन दिया था जिसका सही जवाब रोशन कुमार जी ने दिया था, और एक इसके पहले वाले जीके टेस्ट में जिसमें 26 में 23 मार्क्स लाए थे वो प्रदीप जी थे। तो इन दोनों ने अच्छा स्कोर किया। आप लोग कैसा भी स्कोर करें, वीडियो के कमेंट में अपना स्कोर बताएं, मैं आपका भी नाम लूँगा। ऐसा नहीं कि कोई हाई स्कोर लाएगा तो उसी का लूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। अपना मार्क्स कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आज कितना मार्क्स आया है, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा गामा किरणें, तीसरा सूक्ष्म किरणें, चौथा एक्स किरणें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो तरंग दैर्ध्य अधिकतम किस में होती है, वो रेडियो तरंग में होती है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों है, रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर क्या है, नाभिकीय संलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं दर्शाती है, क्या नहीं दर्शाती है? पहला ऑप्शन अपवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन या ध्रुवन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि तरंगे ध्रुवन को नहीं दर्शाती है। दूरदर्शी यंत्रों के निर्माण में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो जो दूरदर्शी यंत्रों का निर्माण में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, क्वेश्चन ये है, उत्तल, अवतल, समतल, सभी। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा, तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, अनिश्चित होता है? तो प्रकाश का जो वेग है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट, ताप का सर्वाधिक सूचालक है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो ताप का जो सर्वाधिक सूचालक है वो क्या होगा, क्या आप लोग इसके आंसर जानते हैं तो अपना एक मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, नहीं जानते तो मैं आपको इसका आंसर बतला रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा चांदी होगा। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है, 440, 200, 180 या 220 वोल्ट? आई होप इसका आंसर आप लोग फ्रेंड्स सभी को आता होगा। तो घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है, 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। एक वाट घंटा बराबर होता है 60 वाट, 3600 वाट, 360 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, एक वाट घंटा बराबर होता है 360 वाट के बराबर, सॉरी 3600 वाट के बराबर। नेक्स्ट है, कौन सा चुंबक अस्थाई है, मतलब स्थाई नहीं है, अस्थाई है, साधारण, इलेक्ट्रॉनिक, डबल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक चुंबक है वो अस्थाई चुंबक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चुंबक सही आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है, टैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, बैरोमीटर? तो विद्युत प्रवाह को किसमें मापा जाता है, विद्युत प्रवाह को हम मापते हैं किसमें, एमीटर में मापते हैं, किसमें, एमीटर। तो इसका सही जवाब एमीटर होगा। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, टंगस्टन सस्ता होता है, टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, टंगस्टन से तंतु जल्द बनता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है इसलिए बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, आंसर नोट कीजिए। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है, पारा, लोहा, सोना या चांदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं, जो लोहा है वो चुंबकीय है। नेक्स्ट है, विद्युत किससे उत्पन्न होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो, मोटर? विद्युत किससे उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जो विद्युत उत्पन्न होता है वो किससे होता है, डायनेमो से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? पहला क्वेश्चन अश्वनाल चुंबक, बड़ा चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक? तो कौन सा चुंबक यूज़ किया जाता है, चलिए इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं, कौन सा चुंबक यूज़ किया जाता है? तो विद्युत घंटी में जो चुंबक यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, विद्युत चुंबक। कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत घंटी, यानी आपके घर में जो घंटी है, कंफ्यूज नहीं होगी हुजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है,
गामा किरणें, प्रकाश किरणें, एक्स किरणें, कैथोड किरणें तरंग नहीं है, पूछा है। कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। तो जो कैथोड किरणें वो तरंग किरणें नहीं है, चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबक अस्थायी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है स्टील, नरम लोहा, कच्चा लोहा, कोबाल्ट। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या है? तो जो नरम लोहा है वो सबसे उपयुक्त धातु है एक अस्थायी चुंबक को जब आप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबक तत्व का मान होता है, जो दंड चुंबक रहता है क्या हो उसका, जो चुंबक तत्व का मध्य बिंदु का मान क्या रहता है? न्यूनतम रहता है, शून्य रहता है, अधिकतम रहता है या ध्रुवों से के समान रहता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, जो दंड चुंबक का मान होता है, मध्य बिंदु का चुंबक तत्व का मान क्या होता है, वो आपका शून्य होता है। कितना? शून्य होगा, याद रखिएगा, शून्य। चलिए, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है लोहे को, सोने को, लकड़ी को, पीतल को, तो इसका सही जवाब आप लोगों को आता होगा। तो जो चुंबक सर्वाधिक आकर्षित किसको करता है, तो चुंबक जो सर्वाधिक आकर्षित करता है वो लोहे को आकर्षित करता है। किसको? लोहे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की छड़ रेशम के कपड़े या रबड़ पर रगड़ने से छड़ पर आवेश होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों या कोई नहीं? कांच की छड़ रेशम के कपड़े या रगड़ने से जो छड़ से आवेश होता है वो क्या होता है? तो वो जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या? धनात्मक। धारा विद्युत से हम मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं, जो धारा विद्युत से ऊष्मा, यांत्रिक ऊष्मा, प्रकाश, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, धारा विद्युत से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊष्मा, यांत्रिक, प्रकाश, किया हम तीनों प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको पता है ये तीनों प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, ये तीनों प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से विद्युत का सुचालक है, चीनी, मिट्टी, शुष्क वायु, कांच या पारा? विद्युत का इसमें सुचालक पूछा गया है, तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। जो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है इनमें से, तो वो क्या है? पारा है। क्या? पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमी के दिनों में विद्युत क्षय अधिक होता है, विद्युत उदासीन होता है, विद्युत क्षय नहीं होता, तारा गर्म हो जाते हैं? तो जो नमी के दिनों में क्या होता है, नमी के दिनों में विद्युत क्षय अधिक होता है। क्या? विद्युत क्षय। चलिए नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन आज का। एक चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एक फार्मूला होता है जो आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो उसके हिसाब से L जो क्या पूछा, लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाने से इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चन देखते हैं। आवेश पदार्थ के कहाँ होता है, केंद्र में, बारहवा तल पर, संपूर्ण तल में, कहीं नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। आवेश पदार्थ के केंद्र में, बारहवा तल पर, संपूर्ण तल पे, कहीं नहीं? तो इसका जो सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब आप लोगों का बारहवा तल पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻²⁹, 4.8 × 10⁻²⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब आप लोगों का 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया जो इसका टेस्ट नंबर 5 था। पिछला टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वो टेस्ट देखिए। यहाँ से आपका सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, टेस्ट के फॉर्म में सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है जो कि आपको करना चाहिए। यदि आपको नेवी एमर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपना स्कोर कमेंट करें तो मैं आपका भी नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बतलाऊँगा। आपका स्कोर जितना भी हो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम बतलाऊँगा। मेरे लिए ये बड़ा बात है कि आप टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कोई भी वीडियो से आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा जो कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं लूसेंट का टॉप 500 सीरीज चला रहा हूँ तो उसको देखना मत भूलिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, काफ़ी
चुन के उसको क्वेश्चन को बनाया गया है। तब तक के लिए जैन फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में चैनल का नाम सर्च कीजिए और जाके ऐड हो जाइए। वहाँ डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसका जो आंसर सबसे अच्छा देता है, ईमानदारी से देता है, उसका भी नाम मैं वीडियोस में लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।